적지 없이 흘러가는 저 수행성처럼 나도 그저 또 내려가고 있었어. 어둠 속에 젖은 나의 모든 dream 새롭게 시작될 story. When I meet you there is no इस जमीन के लोगों ने मेरे सैयारे का नाम KMT-184.05 रखा। यह जमीन से मिलता जुलता सैयारा है। मैं उसी सैयारे से हूं। जॉसन उस दौर से अब तक हैंगिंग सॉल के रहता है और मुझे यहां रहते हुए 400 साल का अरसा गुजर चुका है। यहाँ की हवा, यहाँ की खुशबू, यहाँ की हर एक चीज, मैं इन सब चीजों का आदी हो चुका हूँ। मेरे सारे सेंसेस, चाहे वो सुनने के हों या देखने के, जमीन पर रहने वाले लोगों से कई गुना तेज है। ये सब मेरी अंदरूनी ताकतों का करिश्मा है कि मैं ना नजर आने वाली चीजों को देख भी लेता हूँ और सुन भी लेता हूँ। मुझे कोई खास खाना पसंद नहीं है और ना ही मैं अपने आप को यहाँ के रहने वाले लोगों से मिलाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ।
जॉसन दौरे हुकूमत का पहला साल जॉसन के लोगों ने आसमान में उड़ती हुई अजीबोगरीब चीज को देखा और उसे देखकर वो लोग बहुत हैरान हो गए। लेकिन그래서 작업하는 내내 너무 즐겁고 설레었고요. 다시 한번 우리 콜드플레이 형님들에게 감사하다고 인사하고 싶습니다. 네, 디아스트로넛의 뮤직비디오는 굉장히 열심히 찍었고요. 미국 가서 찍었습니다. 지구에 불시착한 저의 모습을 보실 수 있고요. 그리고 다른 행성에서 온 제가 우주 공간을 떠돌다가 지구에 불시착하게 되는 그런 내용인데 이제 고향 행성으로 돌아가야 하지만 결국 사랑하는 사람, 소중한 것들이 있는 지구에 남기로 결심을 한 우주인의 여정을 담은 그런 뮤직비디오라고 할 수 있습니다. 저 이제 또 새로운 모습을 보실 수 있으실 텐데 깜짝 등장하는 콜드플레이 크리스 마틴을 발견하시는 즐거움도 또 만끽하실 수 있으실 것 같고요. 정말
수수하게 나오긴 하지. When I'm with you, there is no.